मैंने मकरंद साहब जैसा कलाकार मेरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। उनकी पेंटिंग में एक अजीब सी कशिश है जो देखने वाले को ऐसे आकर्षित करती है जैसे चुंबक सुई को आकर्षित करती है। लेकिन मुझे उनकी पेंटिंग से ज़्यादा अच्छी उनकी ये एब्स्ट्रैक्ट मूर्ति लगी। कहने को तो ये सिर्फ कांच की है लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे इसमें सचमुच जान हो। वाकई मैं तो आज घर से सोच के निकला हूँ कि आज मैं मकरंद साहब का ऑटोग्राफ लिए बिना यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। लेकिन मकरंद साहब हैं कहाँ? आसपास कहीं दिख नहीं रहे। चलिए उनसे पूछते हैं, शायद यही कुछ बता पाए। एक्सक्यूज मी, यस मकरंद साहब नहीं आए? आप तो जानते हैं कि आर्टिस्ट कितने मूडी होते हैं, बस आते ही होंगे। क्या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं? क्यों नहीं। कलर कॉम्बिनेशन देखिए बेटा। बेटा दौड़ते नहीं बेटा, एग्जीबिशन। बेटा कैसे दौड़ते नहीं बेटा, कोई चीज टूट गई तो? पापा चलो ना घर पे जाते, मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ बेटा अभी दो मिनट, हाँ मैं एक फोन करके आता हूँ। ओके पापा बिजी है, चलो तब तक हम लोग खेलते हैं। अरे बाप रे, देखा तुम्हारी वजह से टूट गया ना। सॉरी बाबा। लाख हो गए थे। अरे मकरंद साहब को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ये क्या? ओह माय गॉड, ये तो किसी इंसान की आंख है। तो ये बच्चे इस कांच के मूर्ति के आसपास खेल रहे थे, आपने इन्हें खेलने से मना कर दिया और गलती से आपके हाथ से ये कांच की मूर्ति टूट गई और अंदर से कनिस्टर निकला जिसमें ये आंख है, किस इंसान की आंख। जी सर। सर वो कहावत है ना, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, वो बहुत सही है सर। अगर ये बच्चे यहाँ नहीं खेल रहे होते और ये मूर्ति टूटती नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये मूर्ति में आंख है। नाम क्या बेटा आपका? प्रथम। प्रथम, बहुत प्यारा नाम है। प्रथम, निखिल अंकल तुम्हें बाहर ले जाके चॉकलेट खिलाएंगे। नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है। बेटा जिद नहीं करते, तुम अपने फ्रेंड को ले जाओ। निखिल सर आ जाओ बेटा, आ जाओ चलो। ये मूर्ति को बनाने वाले मिस्टर मकरंद, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। सुबह सर आए थे फिर किसी काम से निकल गए, तब से वापस नहीं आए। मूर्ति के टूटने की खबर दी उन्हें? नहीं सर, नहीं दे पाया। मैंने फोन ट्राई किया था लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मूर्ति पे एक आंख फ्री? मजाक सोच रहे तुम्हें, ये इंसान की आंख है, मतलब किसी इंसान के शरीर से आंख निकाली गई है। रजन इस कनिस्टर को डॉक्टर सालोंके के पास भेज दो और मकरंद के घर का पता देना हमें। जी सर। हाँ सालोंके, आंख के बारे में क्या पता चला? टेट्रागोडाल। टेट्रागोडाल? हाँ बस, ये सॉल्यूशन जिसमें इस आंख को डुबो करके रखा गया है इसे टेट्रागोडाल कहते हैं, और ये सॉल्यूशन इस आंख को सालों साल तक प्रिजर्व करके रख सकता है। मतलब मकरंद ने ये आंख टेट्रागोडाल सॉल्यूशन में इसलिए रखी ताकि वो डीकंपोज ना, सड़े ना, है ना? बिल्कुल, वरना तो एक बार अगर इसके ब्लड सेल्स खत्म हो गए तो आंख तुरंत सड़ जाती है। फिर तो सर इस सॉल्यूशन की वजह से ये बताना जरा मुश्किल होगा ना कि ये आंख कितनी पुरानी। सचिन अगर आंख ज्यादा पुरानी होती तो बताना मुश्किल था, लेकिन बॉस इस आंख के कुछ ब्लड सेल्स अभी भी एक्टिव हैं। इससे ये पता चलता है कि ये आंख 16 से 18 घंटे पहले निकाली गई है किसी इंसान के शरीर में से। या फिर साड़ूखे पता लगा सकता है ना डीएनए टेस्ट से कि ये आंख किसी मर्द की है या औरत की। हाँ पता लगाया जा सकता है। तो फिर लगा ना पता। लेकिन बॉस उसके लिए मुझे इस आंख को सेंट्रल लैब में लेके जाना पड़ेगा। सर का? सर मैंने शहर के सभी आई डोनेशन सेंटर में जाके पता किया है सर, पिछले 6 महीने में कहीं से भी कोई भी आंख चोरी नहीं हुई है सर। पिछले 6 महीनों में कहीं से भी कोई भी आंख चोरी नहीं हुई है? तो क्या मकरंद ने किसी की जान लेकर उसकी आंख निकाल ली और फिर वो मूर्ति में लगा दी? मगर सर मकरंद ने तो ये मूर्ति 3 महीने पहले बनाई थी जबकि ये आंख 16 घंटे पुरानी, तो 16 घंटे पुरानी आंख 3 महीने पुरानी मूर्ति में कैसे फिट हो सकती? सचिन जरूर बहुत पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी इस मकरंद ने, बहुत बड़ी प्लानिंग। पहले से ही उसने उस मूर्ति के अंदर जगह बना के रखी थी जहां पर ये कैनिस्टर फिट हो जाए।
आदया, मकरंद का फोन ट्रेस नहीं हो रहा तो फिर उसके फोन रिकॉर्ड चेक किए? लंदन से कॉल आए थे। अच्छा तो ठीक है, कोशिश जारी रखना, कुछ पता चले तो तुरंत बता देना मुझे, ओके? क्या हुआ? मकरंद को अक्सर लंदन से फोन आया करते थे और खास करके 3 अलग अलग नंबर से। लंदन से? लेकिन सर, उसे लंदन से कौन फोन कर सकता है? वही तो है, कौन ये 3 अलग अलग नंबर से फोन करने वाले मकरंद को लंदन से? पता लगाना पड़ेगा। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जुबान का बहुत पक्का हूँ, आपका पार्सल समय से पहले पहुँच जाएगा। अब मकरंद बाहर गया हुआ है, पता नहीं कब तक आएगा। हाँ हाँ ठीक है, जैसे ही आएगा मैं उसको कह दूंगा कि आपसे बात कर लूँ। ओके जी, बाय। तुम लोग अब तक यहाँ खड़े हो, ऐसे ही बुत की तरह खड़े रहोगे या कुछ करोगे भी? किसी भी कीमत पर वो आंख मुझे वापस चाहिए। बॉस आप चिंता मत करो बॉस, बस अगले 10 घंटों के अंदर वो आंख आपको मिल जाएगी। शट अप, बकवास मत करो। पिछले 12 घंटे से यही डायलॉग सुन रहा हूं मैं, मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है, समझे तुम लोग? बॉस आपको तो पता है कि वो आंख CID वालों के पास है, और CID वालों के हाथ से लेना मतलब मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। बस कोशिश जारी है बॉस। कोशिश कोशिश कोशिश, तुम लोगों को अगर अपनी जान प्यारी तो सिर्फ 2 घंटे, मुझे वो आंख चाहिए, सिर्फ 2 घंटे, क्लियर? ठीक है बॉस, वो आंख आपको मिल जाएगी बॉस। गेट ऑफ। कौन आया होगा? लगता है साहब होंगे। आप लोग? मकरंद है घर में? नहीं, मकरंद साहब तो घर पर नहीं है। तो ठीक है, फिर तुम ही से मिल लेते हैं। अरे मैं तो आपको जानता नहीं, फिर आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? जब तक मिलोगे नहीं तब तक जान पहचान कैसे होगी? सचिन निखिल देखो, हो सकता है घर में ही छुप के बैठा हो। अरे मैंने बोला ना साहब घर पर नहीं, ऐसे कैसे घुस रहे हैं आप लोग? CID से हैं हम। CID? हाँ, कुछ और बोलना है? नहीं साहब। मकरंद तो घर में है ही नहीं। कहाँ गया मकरंद? पता नहीं साहब, बता कर नहीं गए। और कब से घर नहीं आए तुम्हारे मकरंद साहब? कल सुबह जो निकले अब तक लौटे नहीं। मकरंद अपनी पेंटिंग्स और मूर्तियाँ यहीं पे बनाता है? हाँ, पेंटिंग्स तो यहीं बनाते हैं मगर मूर्तियाँ नहीं। हाँ, यहाँ सिर्फ पेंटिंग्स दिख रही हैं, मूर्तियाँ कहाँ बनाता है जानते हो? पता नहीं साहब, मैं तो नौकर हूँ। ये लैपटॉप मकरंद का है? हाँ, ये साहब का ही है। निकल। पर्सनल, इस फोल्डर में कुछ होना चाहिए। ये देखो, पिछले 5 साल में मकरंद की पेंटिंग्स और मूर्तियां कितने में बिकी हैं, इसका पूरा ब्यौरा है इसमें। कोई भी पेंटिंग 15,000 से 20,000 रुपए से ज्यादा में नहीं बिकी, जबकि हर मूर्ति कम से कम 40,000 से 50,00,000 रुपए में बिकती है। तो फिर ये मकरंद सिर्फ मूर्तियां क्यों नहीं बनाता? हो सकता है सिर्फ अपनी संतुष्टि, अपने क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए पेंटिंग्स बनाता हो। एक सेकंड, इसमें यह भी लिखा है कि ज्यादातर मूर्तियां लंदन में बिकती हैं, इसीलिए उसे लंदन से अक्सर फोन आया करते हैं। सचिन कुछ तो है जिसका लेन देन लंदन से है। कल एग्जैक्टली कितने बजे तुम्हारे साहब यहाँ से गए थे? कल सुबह 8 बजे साहब निकले थे घर से एग्जीबिशन में जाने के लिए, ताकि पेंटिंग और मूर्ति सजा सके। फिर 10:30 बजे आए ताकि थोड़ा सो जाएं, ताकि शाम को एग्जीबिशन में वापस जा सके। तो आपके साहब घर पे सोए कितनी देर? सोए नहीं साहब, जैसे ही आए थे उसके 5 मिनट बाद वापस चले गए, और फिर अब तक नहीं आए। सिर्फ 5 मिनट में वापस चले गए? कैसे गए, अपनी गाड़ी से? नहीं, किसी टैक्सी में गए थे। ये कौन सी कंपनी की टैक्सी थी? ये तो पता नहीं साहब। अच्छा, ये टैक्सी तुम्हारे साहब ने बुलाई थी? नहीं साहब, उन्हें फोन आया था ये टैक्सी आ रही है, और जैसी टैक्सी आई वो टैक्सी में बैठकर निकल गए। टैक्सी का कुछ याद है तुम्हें? तुमने कुछ देखा था उसका नंबर प्लेट वगैरह? नहीं साहब, नंबर प्लेट तो मैंने नहीं देखा, मगर हाँ उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था, इतना गोल गोल होता है वो खाने का, क्या बोलते हैं, ढोकला? नहीं नहीं, ढोकला नहीं,
पिज्जा। पिज्जा किस कंपनी का पिज्जा था? क्या नाम था? ढेपला। डेल्पा पिज्जा। डेल्पा, डेल्पा, हाँ साहब उसी कंपनी का। और कुछ देखा था तुमने? हाँ साहब, गाड़ी के पीछे वाले शीशे पे एक और स्टिकर लगा हुआ था उड़ते हुए आदमी का। डेल्पा पिज्जा का एड और पीछे वाली कांच पर उड़ते हुए आदमी का स्टिकर। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम सीआईडी से। सीआईडी? तो आपको भी अपनी गाड़ी पर स्टिकर्स लगवाने हैं? नहीं नहीं, हमें ऐसा कोई काम नहीं है। आप ये बताइए कि डेल्पा पिज्जा नाम की कंपनी के एड आपने कौन सी टैक्सीज में लगाए? डेल्पा पिज्जा, एक मिनट सर, इस ब्रांड के एड हमने एफिशिएंट टैक्सीज की गाड़ियों पर लगवाए थे। एफिशिएंट टैक्सीज? जी। कुल कितने टैक्सीज में लगाए थे आपने ये स्टिकर? सर यही कोई 70 टैक्सीज थी। अच्छा, इनमें से किसी एक टैक्सी के पीछे वाले कांच पर कोई ऐसा स्टिकर लगा होता है एक ऐसे इंसान का जो हवा में उड़ रहा है? इंसान जो हवा में उड़ रहा हो? नहीं सर, ऐसे तो कुछ याद नहीं आएगा, पर हाँ हो सकता है मेरे स्टाफ में किसी को पता हो। समीर, आशीष, आनंद, मनीष, एक मिनट इधर आओ। हमने एफिशिएंट टैक्सीज के ऊपर जो डेल्पा पिज्जा के ऐड लगवाए थे, क्या उनमें से कोई टैक्सी ऐसी है जिसके पिछले वाले कांच के ऊपर कोई ऐसा स्टिकर है जिसमें कोई इंसान हवा में उड़ रहा हो? हाँ सर, ऐसा स्टिकर तो भोला की टैक्सी पे। भोला सर? भोला? ये भोला कहाँ मिलेगा? यहीं सर, आज वो सारी टैक्सियां फिर से आ रही हैं नए ऐड लगवाने के लिए, तो भोला भी जरूर आएगा। वेरी गुड, चलो भोला का इंतजार कर लेते हैं। स्टिकर तैयार है? हाँ तैयार हैं, आप अपनी टैक्सी के पास जाइए, मिल जाएंगे। जी सर। नए ऐड का स्टिकर तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार है, आप जाइए, मिल जाएंगे। जी सर। चलो साहब जल्दी से नया ऐड लगा दो, पुराना ऐड देख देख के लोग पक गए और मैं भी। चलिए हम आपको कुछ नया दिखा देते हैं। आप लोग कौन है? आपकी टैक्सी के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ है उड़ते हुए आदमी का, है ना? अरे भाई, मैं उड़ते हुए आदमी का लगाऊं या गिरते हुए आदमी का लगाऊं, इसे आप लोगों को क्या लेना देना है? लेना देना तो है, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये इसको तो जाने दो मुझे। सीआईडी जब मुजरिमों को पकड़ती है ना तो जाने नहीं देती है। साहब मुझको माफ कर दो, मैंने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ये सब किया है। मकरन का है? कौन मकरन साहब? वही मकरन जिसने एग्जीबिशन रखी थी, जिस एग्जीबिशन में हमें आदमी की आंख मिली कांच की मूर्ति से, वो मकरन कहाँ है वो? आंख मूर्ति? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। ना समझ पाने का नाटक बंद करो, जिसकी फोटो देखकर भागे थे तुम, ये आदमी कहाँ छुपा के रखा है इसे? अरे साहब मैं तो ये समझा कि आप लोगों को पता चल गया है कि मैं अपनी टैक्सी कंपनी के साथ धोखा कर रहा हूँ, इसलिए मैं भागा था। धोखा? कैसा धोखा? साहब हमारी टैक्सी कंपनी सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टैक्सी में बैठने की अनुमति देती है जो फोन करके टैक्सी बुक कराते हैं, और पैसे के लालच में दूसरे यात्रियों को भी अपनी टैक्सी में बिठा लेता था, और साहब ये आखिरी आदमी था जिसको मैंने अपनी टैक्सी में बिठाया था। ओह, तो तुम इसलिए भागे थे? हाँ साहब, मकरन, मकरन के बारे मुझे कुछ नहीं पता। और कब बिठाया था तुमने मकरन को टैक्सी में? साहब कल सुबह 10 बजे फोन आया था, मुझे आरती नगर से फोन आया था कि टैक्सी चाहिए थी, मैं अपनी टैक्सी लेके वहाँ पहुँच गया था, बस और कुछ नहीं जानता हूँ साहब। किस नंबर से फोन आया था? साहब इस नंबर से फोन आया था साहब। हेलो, ये कहाँ का नंबर है? ओके, नहीं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आरती नगर के पीसीओ का फोन नंबर है। सर मकरंद के नौकर ने कहा था कि उसने कोई टैक्सी बुक नहीं की थी, हो सकता है किसी और ने टैक्सी मंगवाई हो उसके लिए। हो सकता है मकरंद ने खुद फोन किया उस पीसीओ से जाके, ताकि जब कॉल रिकॉर्ड चेक हो तो किसी को उस पर शक ना हो। ये छोड़ा कहाँ था तुमने मकरंद? साहब
एनडी रोड पर गिलबर्ट आर्ट गैलरी है ना, उसी के सामने इसको छोड़ा था। सर, मकरंद पहले आर्ट गैलरी में था, फिर वो घर गया था, फिर वो वापस आर्ट गैलरी क्यों जाएगा? गैलरी के बाहर उतरा था ना, सत्या अंदर गया ना, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो दिखाई नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर साहब, क्या? अरे आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आप कहाँ पे हो? आप वहीं पे रुको, हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? डॉक्टर सारंगी को चोट लग गई है, जल्दी चलो डीबी रोड। आप ठीक तो है ना? हाँ मुख्य, आप कहें तो आपको हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं नहीं, मेरे साथ ही आते होंगे। वो आ गए, मेरे साथ ही आ गए। ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, संभाल के आप ठीक है? हाँ विजय, मैं ठीक हूँ। खून निकल रहा है पंकज, फर्स्ट एड। थैंक यू वेरी मच, हम लोग आगे, हम संभाल लेंगे। थैंक्स अ लॉट। सर ये सब हुआ कैसे? मुझ पर किसी ने वार किया, हमला किया किसी ने। हमला? किसने किया? अभिजीत, मैं वो आँख लेकर के जा रहा था सेंट्रल लैब डीएनए टेस्टिंग के लिए, ये गाड़ी आई और यहाँ आकर के मेरी गाड़ी को ब्लॉक किया उसने। ओके। उसमें से 4-5 लोग उतरे नकाब पहने हुए। हाँ। मेरे सर पे वार किया और आँख का कैनिस्टर लेकर के भाग गए। आँख चोरी हो गई? यार वो चोट की वजह से मैं बेहोश हो गया था तो। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप सही सलामत है, हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आँख तो हम लोग ढूंढ ही लेंगे। वैसे गाड़ी का नंबर वंबर देखा क्या? हाँ, चोट लगने से पहले मैंने गाड़ी का नंबर देखा था। क्या 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 नंबर है, याद है? गाड़ी का नंबर है ZPO2979। ग्रेट डॉक्टर साहब। पंकज पता करो RTO से किसका नंबर है। सर हमें आँख मिली मकरंद की बनाई हुई मूर्ति, कालून के साहब ने जो गाड़ी देखी वो मकरंद की थी, हो ना हो इन सब के पीछे ये मकरंद ही है। हो सकता है, चलो चल के आंख भी वापस ले लेते हैं और सड़क के साहब पर किए गए हमले का हिसाब भी। सर लगता है ये मकरंद अपने दूसरे घर से भी गायब हो गया है, या फिर हो सकता है अंदर छुपा। सोच के रहो, दया सर का नाम लो और तोड़ दो दरवाजा। अरे बाप रे, बड़ी भयंकर बदबू है। किसी लाश की बदबू है। सर कहीं मकरंद की तो नहीं है? हो सकता है, देखो लाशें कहीं होगी। सर ये तो मकरंद है। अरे इसकी तो एक आंख गायब है सर, मतलब वो आंख इसकी थी। सर हम लोग तो सोच रहे थे कि इन सब के पीछे ये मकरंद है, मगर किसी ने इस बेचारे को मारकर इसकी आंख निकाल कर इसी की बनाई हुई मूर्ति के अंदर रख दी और इसी की गाड़ी इस्तेमाल की डॉक्टर साड़ुंके पर हमला करने के लिए। खून सिर्फ यहीं पे बहा, इसका मतलब गोली लगने के बाद मकरंद इधर उधर नहीं गया होगा, उसने यहीं पे दम तोड़ दिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने आत्महत्या की हो अपनी गन से? नहीं फ्रेडी, खुद को ऐसे सामने से गोली मारना थोड़ा मुश्किल है, और कोई अपनी ही आंख कैसे निकाल सकता है। हाँ ये बात तो है, गोली सामने से लगी है और लाश की पोजीशन को देख के लगता है एक खूनी यहाँ कहीं खड़ा होगा। सर इस गन में से गोली चली है, शायद मकरंद ने उस खूनी पर चलाई होगी अपनी आत्मरक्षा के लिए। और अगर ऐसा हुआ है निखिल तो इसका निशाना जरूर चूक गया होगा, क्योंकि कहीं और तो खून है नहीं। गोली ढूंढो, यहीं होगी। सर ये देखिए सर, गोली मिल गई। वेरी गुड श्रेडी, एक काम करो और तलाशी लो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो हमें खूनी तक पहुंचा है। ये क्या है? ओह
मकरंद की पिछली मूर्तियों के स्केचेस देखा? इसी भी सर का अंदाजा सही था। मकरंद अपनी हर मूर्ति में इतनी जगह जरूर खाली छोड़ता था कि एक कैनिस्टर को आसानी से फिट किया जा सके। मतलब ये मकरंद उसी की बनाई हुई मूर्तियों के अंदर कैनिस्टर रखकर आग की स्मगलिंग करता था। हाँ सर, और शायद किसी ने बदला लेने के लिए इसी के साथ ऐसा कर दिया। मुझे नहीं लगता। आंखों की कालाबाजारी से सिर्फ 2-3 लाख रुपए कमाए जा सकते। मकरंद की हर मूर्ति कम से कम 40 से 50 लाख रुपए में बिकती है, तो फिर सिर्फ 2-3 लाख रुपए के लिए कोई इतना खतरा क्यों लेगा? जरूर मकरंद की मूर्तियों में आंखें नहीं, कोई और चीज स्मगल की जाती है। कैसी चीज? वो तो नहीं पता फ्रेडी, लेकिन ये स्मगलिंग इंग्लैंड में होती है। तभी तो उसे लंदन से इतने फोन आते थे। तब तो सर इस मकरंद का कोई पार्टनर होगा। दोनों मनमन हुई, उसने इसे ऊपर पहुंचा दिया। वही होगा निखिल जो मकरंद की मूर्तियों को विदेश भेजता था। पता करो कौन है। दो घंटे गुजर गए, पता नहीं ये बेवकूफ आंख चुरा भी पाएंगे या नहीं। अगर कहीं सीआईडी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बॉस, लेने के देने तो उस डॉक्टर साड़ुंखे को पड़ गए। बॉस मैंने कहा था ना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये लीजिए आपकी कीमती आंख। शाबाश रंगा शाबाश। तू नहीं जानता है कि तुमने कितना बड़ा काम किया। इसके लिए मैं तुम लोगों को इतने रुपए दूंगा, गिनते गिनते बुढ़े हो जाओगे। बॉस आप तारीफ कर रहे हैं या ताना मार रहे हैं? तारीफ कर रहा हूँ तारीफ। तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। ठीक है बॉस। काम खत्म हो गया। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे सबसे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलने की तैयारी करो। बॉस हमारा हिस्सा। हिस्सा भी मिल जाएगा, जल्दी क्या है? मैं कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ। बॉस माफ करना, पैसों के सामने कोई किसी का नहीं होता। मुझसे गद्दारी, अभी देता हूँ हिस्सा। माफ करना, ये सारी की सारी दौलत सरकारी खजाने में जाएगी। गंस नीचे। बहुत हो गया भागना तोड़ना। सर, मैं और मकरंद पार्टनर थे। मकरंद पेंटिंग से मूर्तियां बनाता था, मूर्तियों में हीरा छुपा देता था सर। फिर मैं उन हीरों को देश के बाहर लंदन ले जाता, उनकी तस्करी करता था सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने देश की संपत्ति स्मगल करके बाहर देशों में बेच रहे थे तुम। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। माफ कर दीजिए? तुमने सिर्फ स्मगलिंग नहीं किया बल्कि खून भी किया है।
मकरंद का खून। मैंने जानबूझ के मकरंद को नहीं मारा सर, बल्कि वो मुझे मारना चाहता था सर। मैंने तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा में सर उस पर गोली चलाई। पूरी बात बताओ, क्या हुआ था मकरंद के घर में बताओ। उसने मुझे अर्जेंटली अपने घर में बुलाया, वो कह रहा था कि उसे कुछ मुझे जरूरी बात कर रही है। लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो अरे दरवाजा तो खुला हुआ है। मकरंद, मकरंद, मकरंद कहाँ है यार? मुझे घर में बुला के दरवाजा खोलकर बाहर चले गए क्या? तुम हीरो की चिंता बिल्कुल मत करना, मैंने जुबान दी है ना, तुम्हें हीरे मिल जाएंगे वक्त पर। मोहित का इंतजाम मैंने कर दिया है, आज का दिन उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा और उसकी लाश से आंख निकालकर मैं पूरे खजाने का अकेला मालिक बन जाऊंगा। मेरी नहीं, तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा मकरंद। मुझे मारेगा, मुझ पे गोली चलाएगा तू। बुरे काम का बुरा नतीजा। अब जो तू मेरे साथ करने वाला था मैं तेरे साथ करूंगा। और जब मकरंद की मौत हो गई तो तुमने सोचा क्यों ना उसी का प्लान उसी पे आजमा लिया जाए, क्यों? मैंने मकरंद की आग निकाल ली क्योंकि उस लॉकर रूम का दरवाजा हम दोनों की आग से खुलता था सर। लॉकर रूम का दरवाजा आग से खुलता था, मतलब आयरिस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। हाँ सर, वही आयरिस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी उस लॉकर रूम के दरवाजे के स्कैनर के सामने जब तक हम दोनों की आंखें स्कैन नहीं हो जाती थी वो दरवाजा नहीं खुलता था। तो फिर मकरंद की आंख तुमने मूर्ति में क्यों छुपाई? क्योंकि सर मैं देश से बाहर जाने का इंतजाम कर रहा था, तब तक उस आग को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी था सर। उस आग को छुपाने के लिए मूर्ति से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती थी सर। लेकिन मेरी किस्मत खराब सर, वो मूर्ति टूट गई और मूर्ति के साथ सर मेरे माना भी टूट गया। तुमने स्मगलिंग करके देश के साथ गद्दारी की और एक खून भी किया। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक। क्यों भाई? सर केस खत्म हो गया है और काम भी नहीं है, अगर आप कहें तो फिल्म देखने चल सकते हैं। अरे भाई मुझसे क्यों पूछते हो, एसीपी साहब से पूछो। सर एसीपी साहब फिल्म देखते हैं? अरे बिल्कुल देखते हैं भाई, हमारी और तुम्हारी तरह एसीपी साहब भी फिल्में देखते हैं। क्या बातें हो रही है? अब सर वो निखिल कह रहा था कि एसीपी साहब फिल्म देखते हैं क्या? अरे अच्छा, क्यों जानना चाहते हो तुम? नहीं नहीं सर, मैं तो सर कह रहा था कि हम सब साथ चल के फिल्म देख सकते हैं। सर केस खत्म हो गया सर, काम भी नहीं, मतलब काम है सर, केस नहीं है सर, अगर आप कहें तो हम सब साथ चल के फिल्म। केस खत्म हो गया, काम नहीं है? हाँ, किसने कहा तुम्हें कि केस खत्म हो गया? किसने कहा केस खत्म हो गया? मोहित ने सब कुछ मान लिया तो तुम्हें लगा मुझे मिल गया तो केस खत्म हो गया? केस अभी भी बाकी है समझे, अभी भी रिपोर्ट आना बाकी है, अभी सारों क्या आएगा रिपोर्ट लेकर तब समझेगा बॉस। ये मकरंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरा देखो। सांखे यार, इसमें तो लिखा है कि मकरंद मरने से पहले बेहोश था। हाँ बॉस,
मकरंद बेहोश था क्योंकि उसके खून में मुझे फैप्टिया मिला है। फैप्टिया, जिसकी वजह से जब उसकी आंख निकाली गई वो मरा नहीं था, बेहोश था। मगर यार मोहित के हिसाब से मकरंद की मौत गोली लगने से हुई है, बेहोशी का तो नामो निशान नहीं। मुझे लगता है मोहित झूठ बोल रहा होगा। लेकिन क्यों झूठ बोलेगा मोहित? मोहित झूठ बोल रहा है क्यों? क्यों झूठ बोल रहा है मोहित? बस ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। हाँ हाँ पता है सरुण की, तेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही होती है, हर बात सही होती है, लेकिन क्यों मोहित झूठ क्यों बोलेगा? सरुण, मोहित कह रहा था ना कि मकरंद ने गोली चलाई थी और क्राइम सीन में हमें वो बुलेट भी मिली थी। सचिन, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मकरंद हाथों पर कहीं पर भी गन पाउडर के निशान नहीं है। नहीं है गन पाउडर के निशान? बिल्कुल कहीं भी गन पाउडर नहीं है। सर कहीं मोहित खुद के सारे इल्जाम लेकर किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? अरे वाह, अब सोचने लगे। अभी तक तो कह रहे थे कि केस खत्म हो गया, कोई केस नहीं है, क्यों अब समझे? समझे, इतना आसान नहीं। केस खत्म हो गया, सोचना पड़ता है, हर बात पे सोचना पड़ता है। सही सोचा है तुमने अभी। हो सकता है किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है मोहित, इसलिए सारे इल्जाम उसने अपने आप पर ले लिए। और किसे, किसे बचाने की कोशिश कर रहा है मोहित? मोहित, मकरंद, और वो तीसरा आदमी। कहीं मोहित उस तीसरे आदमी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, इसलिए सारे इल्जाम अपने आप पर ले रहा है। और फिर मकरंद, यार साळुंखे, मकरंद की आग के बारे में कुछ और पता चला? हाँ बस, क्या तारे का लगे हुए लैब में कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे। एक मिनट, तारिका को याद कर रहे तो तारिका का फोन। हाँ तारिका, हेलो हेलो तारिका, तारिका क्या हुआ? यार मुझे लगता तारिका खतरे में। तारिका खतरे में? क्या बात कर रहा है? ओ तो, तारिका तारिका तारिका, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ। तारिका 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 तारिका, उठो उठो, क्या हुआ? हाँ यू ओके? आओ बैठो, चलो चलो कम चलो कम कम। थोड़ा पानी पी लो। ओके? क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? सर वो आंख लेके चला गया। आंख लेके चला गया? जिस बात का डर था वही हुआ, फिर से आंख चुरा के लेकर गए। मैं वो आंख आंख टेस्ट कर रही थी, दरवाजे पे एक एक आदमी आया, उसने प्यून के कपड़े पहने हुए थे। उसने मुझे कहा कि सालों के सने आप मंगवाई है। मुझे मुझे उसी वक्त उस पर शक हुआ और मैंने आपको तुरंत फोन लगाया। फिर मैंने जैसे ही आपसे बात की, उसने मुझे क्लोरोफॉर्म सूंघा और मैं बेहोश हो गई। पर अब सर सारा पैसा सारा सोना हमारे हाथ लग चुका है, फिर ये आंख किसी को क्यों चाहिए होगी? और भी कोई राज जुड़ा हुआ है उस आंख के साथ? और भी कोई राज है जो अब तक हमारे सामने नहीं आया है? किसी भी हालत में हमें उस तीसरे आदमी तक पहुंचना ही है, पहुंचना है उस तीसरे आदमी तक। सर ये जो तीसरा आदमी है वो इस राज के बारे में अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उस आंख के पीछे पड़ा हुआ है सर। सचिन, और वो पूरा राज उस बंद लॉकर रूम के अंदर छुपा है।
उस बंद लॉकर रूम के अंदर। सर पूरे शहर में ऐसी एक ही कंपनी है जो आयरिस लॉकर बनाती है। तो फिर चलो वहीं चलते हैं। सीपीयू को जला दिया, ये जो कोई भी है हमसे एक कदम आगे। अरे इन्हें तो गोली मारी गई है। She's dead. सर वहां से आवाज आ रही है। आप लोग कौन? घबराइए मत, हम लोग CID से। आइए बैठिए। सवाल के निकल पानी। मुझे बचा लीजिए, मुझे गोली गोली लगी। घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। फ्रेडी एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। पानी ये लीजिए, पानी लीजिए आराम से। ये सब किसने किया? पता नहीं, कुछ लोग एकदम से ऑफिस में घुसे और उन लोगों ने अफरा तफरी मचा दी, कंप्यूटर भी चला दिया और बॉस को गोली मार दी। तो वो आपके बॉस थे? मिस्टर अनुराग, और मुझे गोली मार दी। अगर मेरे मरने का नाटक ना किया होता तो शायद दो चार गोली और मार देते। अच्छा, कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड्स थे उनका कोई बैकअप है? इस रूम के ठीक सामने कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल के नीचे की तरफ हार्ड डिस्क छुपा के रखी हुई, भगवान करे वो सुरक्षित हो। सर एम्बुलेंस आ गई। निकल, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा। संभाल के, कुछ नहीं होगा। फ्रेडी इस रूम के सामने एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां टेबल के नीचे एक हार्ड डिस्क होनी चाहिए, लेकर आ। वेरी गुड, शुक्र है उनके हाथ ये नहीं लगा। अब जल्दी से गाड़ी से अपना लैपटॉप लेकर आओ। लैपटॉप ये लो, इस हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट करो, सारे फाइल्स सर्च करो, देखो मकरंद कुमार के रिकॉर्ड्स कहां हैं। सर इस मकरन ने तो दो बार आयरिस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, एक बार मोहित के साथ और दूसरी बार इसके साथ। तो ये है हमारा तीसरा आदमी। अरे दया अंकल आप? अरे प्रथम बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा दया अंकल मैं खेलने जाता हूँ। ओके बेटा। अरे बेटा आप कितनी बार कहा मेरे पूछे बगैर दरवाजा नहीं खोलने का। सर आप लोग केस सॉल्व हो गया क्या? हाँ, मुझे खुशी में मिठाई खिलाने आए। मिठाई? बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा बाहर गया, वरना उसके शरीफ पिता का असली चेहरा उसके सामने आ जाता। अरे बेटा ना ना, मिठाई नहीं खाओगे? मोहित से पहले मकरंद का पार्टनर मैं था, एक दिन उसे शक हुआ कि स्मगलिंग के पैसे में से मैं पैसे चुरा रहा हूँ और उसने सारा पैसा उस मनहूस लॉकर रूम में बंद कर दिया। 5 साल पहले मकरंद और मेरा झगड़ा हो गया और उसने मोहित को अपना पार्टनर बना लिया, जिसकी वजह से तुम्हारा करोड़ों का माल उस लॉकर रूम में कैद हो गया। हाँ सर, मैंने सुलह करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। मैंने मिन्नत की लेकिन वो फिर भी नहीं माना। फिर एक दिन मैं मकरंद के घर पहुंच गया। और तुम? आज मैं सौरभ नहीं तेरी मौत बनकर आया हूं। ये सब क्या है सौरभ?
ये ले पढ़ इसको। ठीक है तो प्लीज प्लीज गोली मत चलाना। एक शर्त पर, इसे जोर जोर की पढ़ और सुन, जब तक मैं रुकने के लिए नहीं बोलूं पढ़ते रहना, समझे? ओके। तुम हीरो की चिंता बिल्कुल मत करना, मैंने जुबान दी है ना, तुम्हें हीरे मिल जाएंगे वक्त पर। मोहित का इंतजाम मैंने कर दिया है, आज का दिन उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा और उसकी लाश से आंख निकाल कर मैं पूरे खजाने का अकेला मालिक बन जाऊंगा। ये सब क्या है? ये है मेरा फैसला। कौन सा फैसला? या तो तू मर जा या फिर तू मोहित को मारकर उसके पैसे को बराबर से बांट ले, समझा? ओके ठीक है, चल मोहित को फोन लगा और कोई होशियारी नहीं, समझे? हेलो, हाँ मोहित, हाँ क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? कुछ जरूरी बातें करनी है। नहीं मैं फोन पे नहीं बता सकता, प्लीज तुम मेरे घर आ जाओ। ओके गुड, अब तुझे इनाम मिलेगा। इनाम? बेवकूफ, तुझे क्या लगा मैं करोड़ों का खजाना तुझे दे दूंगा? फिर मैंने मोहित के आने का इंतजार किया। मुझे मारेगा, मुझ पे गोली चलाएगा तू? और वहां मोहित ने मकरन की आंख निकाल ली। फिर मैंने मोहित का पीछा किया, उसने वो आंख उसी मूर्ति में छुपा दी जिसमें मकरन अपने हीरे छुपाए करता था। फिर एग्जीबिशन में अपने बेटे को रोकने के बहाने उस मूर्ति को धक्का दे दिया ताकि वो आग सबके सामने आ जाए और आप लोग इन्वॉल्व हो जाए। तुम हम लोगों को इस प्लान में क्यों शामिल करना चाहते थे? क्योंकि मैं एक ही तीर से दो शिकार करना चाहता था। एक तरफ मैं सारा खजाना हड़पना चाहता था और दूसरी तरफ मैं चाहता था कि मकरन के खून में मोहित फंस जाए और मुझ पर कोई आश ना है। तुम जानते थे कि खजाने के लिए मोहित हमसे वो आग चुरा लेगा और तुम मोहित पे हमला करके उससे उसका खजाना चुरा लोगे और वो आग भी, और दोनों खजाने के मालिक बन जाओगे। हाँ, मेरा प्लान कामयाब भी हो गया था। मोहित ने डॉक्टर सालुंके से वो आग भी चुरा ली थी, उसने अपना सारा पैसा भी निकाल लिया था। बस मुझे मोहित को मारना था और ऐसा दिखाना था कि उसे उसी के आदमियों ने मारा है। लेकिन इससे पहले कि मैं करता, हम मोहित तक पहुंच गए और तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। तुमने मोहित को मकरन का खून करने पे मजबूर कर दिया और अपने इस घिनौने प्लान में सीआईडी को शामिल करने की गलती की। तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।